भरणी नक्षत्र मालिक शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भरणी नक्षत्र हालांकि शुक्र का नक्षत्र है लेकिन ये अच्छा नक्षत्र नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली तो मैं इसे अच्छा नक्षत्र नहीं मानता क्योंकि भरणी के देव यमराज है, यम है यम है? अगर यम है तो यम किसका भला करने वाले हैं? बोलाइए, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं और आपके पिछले जो कर्म है तो उसका हम हिसाब करेंगे। अच्छा होगा तो अच्छा देंगे, बुरा होगा तो बुरा देंगे। तो नॉर्मली तो इंसान के ज्यादातर कर्म बहुत अच्छे तो होते नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भरणी की तो समझिए, भरणी कुंडली में जहां भी होगा वहां जलन होगी, वहां चीटिंग होगी और वहां से रिलेटेड ऐसे सीक्रेटिव घटनाएं होंगी। आपका सीक्रेट कहां है? बोला भरणी में, कुंडली में भरणी जहां पड़ा वहां आपका कोई ना कोई आपका सीक्रेट है और वो सीक्रेट आपने सारी दुनिया से छुपाया हुआ है। मान लीजिए आपका भरणी पड़ा सातवें घर में, तो आपकी पत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर, सातवां घर तो दोनों होता है, आपकी पत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर कोई ना कोई सीक्रेट कैरी कर रहा है जो आपको नहीं बता रहा, जलन का मारा है, बताएगा नहीं, इससे जला उससे जला, जेलसी, चीटिंग या तो उसके साथ हुई है या वो करने वाला है, ठीक है। अगर यही चौथे घर में पड़ा तो मदर के पास सीक्रेट है, आपके घर में कुछ सीक्रेट है। तो जैसे मान लीजिए मुझे दिखा कि भरणी इसकी कुंडली में चौथे घर में, बोले घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीक्रेट है, छुपा के रखा है, बता नहीं रहा। पांचवें घर में संतान से रिलेटेड कोई सीक्रेट है, पता कर लो कि ये संतान जो है ये अपनी है, बाहर भी कई और संतानें चल रही है, पता ही नहीं है। रोमांस पांचवा घर है, अदर सोर्स ऑफ इनकम पांचवा घर है, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए छुपा के रखा है। तो जहां पड़ा भरणी, इसका मतलब अब आप ही कहेंगे कि कैसे पता करूं एकदम मन छोड़ देख के, अरे सर जहां पर एरीज साइन है वहीं पर भरणी है, तो आपकी कुंडली में जहां एरीज का साइन है वहीं कुछ सीक्रेट है, यहीं कुछ छुपा हुआ है, इस पर नजर रखिए, यहां चीटिंग हो सकती है या तो आपके साथ या आपकी संतान के साथ, या तो आपके साथ या आपकी संतान के साथ, या आपके साथ या आपके साथ रोमांस में कोई चीटिंग कर गया। ये है सीक्रेट भरणी का। एक इंपॉर्टेंट बात और कि जहां पर भरणी पड़ा उससे रिलेटेड आपकी जिंदगी में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं, अचानक कोई घटना होगी और जिंदगी बदल जाएगी। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए भरणी पड़ा यानी एरीज राशि पड़ी आपकी कुंडली में नवें घर में, तो पिताजी की जिंदगी, एक तो या तो फादर सबसे जलते होंगे या पिताजी से बहुत लोग जलते होंगे, पहली बात तो ये तय कर लीजिए। अचानक उनकी जिंदगी में कोई घटना होगी और उनकी जिंदगी का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, एकदम सब कुछ बदल जाएगा, लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, या तो उनके साथ चीटिंग होगी या कोई घटना होगी या कोई दुर्घटना होगी। छठा घर बीमारी का, या आपको कोई ऐसी बीमारी हुई, अब जिसका एरीज छठे घर में पड़ेगा तो उसके स्टमक में हमेशा एसिडिटी और इससे रिलेटेड परेशानी होगी, जलन है जी। अब अगर चौथे में मतलब इस एरिया में जलन होगी तो एसिडिटी बोलता है। अगर मान लीजिए ये पड़ी चौथे या पांचवें घर में, तो मेरे को तो एक गाना याद आ गया, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, भरणी पड़ा है जी इसलिए तूफान है और इसलिए जलन है। अगर आपको ज्योतिष सीखना है या समझना है, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट इसी तरीके से लर्न करते चलेंगे, लेट मी टेल यू, आनंद आ जाएगा आपको, पूरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी, मेरी लाइफ में ये होने वाला है, मेरा ये रिश्तेदार ये कर रहा है। मान लीजिए यही भरणी नक्षत्र आपके दसवें घर में पड़ गया, अब दसवां घर क्या होता है, सातवां घर पत्नी और दसवां घर उससे चौथा, यानी पत्नी की माँ यानी आपकी सासू माँ, या सातवां घर हस्बैंड और हस्बैंड की माँ, यानी जिसकी कुंडली में एरीज दसवें घर में पड़ा उसकी अपनी सासू माँ से ज्यादा बनेगी नहीं। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, वो सांस में है थोड़ा देख लीजिएगा।